अली भाई, अली भाई आप मौजूद हैं? रीज्वाइन कर लें अली भाई एक बार। अच्छा जी यार, ये मुसलमान तो स्टेज छोड़े मेरा भाई, आप लोगों ने जगह मिली हुई है। प्लीज भाई ऐसे ना करें, नॉन मुस्लिम को मौका दें, उनको आने दें। अली भाई आप जुड़ जाएं, आपका वेट मैं कर रहा हूँ, अली भाई को आने दें। यादव जी, मैं इससे पहले के मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी करता और मैं को ऐसा कोई जुमला बोलता, मैं चाह रहा था अच्छे से आपके साथ बात हो, और मैं इसीलिए कह रहा था कि आपके पास 2-3 मिनट बाकी हैं, मैं अच्छे से उसको खत्म करना चाह रहा हूँ, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी बीच में ना बोलिएगा, तो आप बीच में बोले हैं तो मुझे उतारना पड़े। अब सुने जरा, सनातन धर्म का सबसे बड़ा मसला ये है कि सनातन धर्म में जो रॉन्ग नंबर ठोका गया है वो ये ठोका गया है कि सनातन धर्म का परिचय कराने वाले सनातनी को पेश करते हैं, शास्त्र को नहीं। इस्लाम का खासा ये है कि इस्लाम में मुसलमान के कर्म को, अमल को पेश नहीं किया जाता। यही सबसे बड़ा ब्लंडर है जो आपका हिंदुत्वा का न्यूज चैनल्स लेकर चल रहे हैं, यही सबसे बड़ा ब्लंडर है जो आपकी एक्स मुस्लिम मूवमेंट लेकर आपके सामने चल रही है, क्योंकि ये रॉन्ग नंबर आपके जहन में ठोका गया कि धर्म का परिचय किसी अधर्मी को सामने रखकर किया जाएगा। यही वजह है कि जब हम आपके सामने किसी सनातनी की करतूत रखते हैं, आप फटाफट कहते हैं वी कंडेम हिम, वी कंडेम हिम। सनातन धर्म तो ये नहीं कहता, दिखा दें वेद में कहीं लिखा हो, ये बात करते हैं। उस समय हम आपको बताते हैं, कोई मुसलमान जो इस्लाम के तरीके से हटकर पूजा पाठ का तरीका कर रहा है, वो कुरान और सुन्ना से हटकर जो तरीका कर रहा है, वो इस्लाम नहीं है। तो जब मैंने इनको कहा, इन्होंने कहते हैं जी वो कोई भी धर्म जो है वो मूर्ति पूजा से निकल ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई क्लेम कुछ और है, एविडेंस आप दे रहे हो फलां मुसलमान जनाब वो कब्र में जा रहे हैं, फलां इधर मुसलमान जो है वो किधर चादर चढ़ा रहे हैं, फलां ये कर रहे हैं, फलां वो कर रहे हैं। तो भाई जो कुछ जो कोई कर रहा है, जो कुरान और इस्लाम से हटके कर रहा है, वो इस्लाम ही नहीं है। यार अली भाई ने ज्वाइन नहीं किया, यार आप तो स्टेज छोड़ो भाई, या सोजो भाई, सोजो आप सोजो, नींद पूरी करो, ठीक है। नॉन मुस्लिम सिर्फ बैक स्टेज रहे, अली भाई के लिए मैं जगह बना रहा हूं। अली भाई अगर ज्वाइन करना चाहे, अली भाई नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो ये इतनी सी बात है, इसलिए वो टाइम ना जाया करें भाई। प्लीज टॉपिक के साथ जो सवाल पूछा गया उसके साथ स्टिक रहा करें। जब मैं कहूं कि इस्लाम में ये चीज कहाँ है, उसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का मुसलमान क्या कर रहा है, पाकिस्तान का मुसलमान क्या कर रहा है, सऊदीया का मुसलमान क्या कर रहा है, वो नहीं है। ये रॉन्ग नंबर ठोका गया आपके जहन में क्योंकि आप सनातन धर्म को इस तरह देखते हो कि फलां सनातनी क्या कर रहा है, फलां सनातनी तो वेद को नहीं मानता, फलां भगवद गीता को नहीं मानता, फलां तो बड़ा लिबरल है, फलां बड़ा फेमिनिस्ट है, तो सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहा है ना भाई। मैं क्या करूं, सारे के सारे सनातनी कल मुर्तद हो जाएं या अधर्मी हो जाएं, मैं सनातन धर्म को उन अधर्मियों के ऊपर चेक करूंगा? मैं तो वेद को देखूंगा, मैं तो गीता को देखूंगा, मैं मनुस्मृति को देखूंगा, मैं पुराणास को देखूंगा, मैं तो इस सनातन पुस्तकों को देखूंगा ना, ग्रंथों को। कॉमन सेंस की बात है, माल हो गया यार। पाटिल हमारे साथ जुड़ी हैं, पाटिल जी, पाटिल जी। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। ओके, कैसे हैं आप? खैरियत से? यस सर। जी 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 जी, पाटिल साहिबा क्या कहना चाहेंगी? कोई सवाल, कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन? नहीं सर, मूर्ति पूजा के ऊपर बात हो रही थी ना। मुझे अपना एक्सपीरियंस खुद का बताना है, एज अ हिंदू चाइल्ड मुझे क्या लगता था मूर्ति पूजा के बारे में। गुड गुड, वी वुड लाइक टू लिसन टू यू, यस गो अहेड सर। मंदिर में जाने के बाद इतने मूर्ति रखे होते हैं, तो एज अ हिंदू चाइल्ड मेरे को समझ में नहीं आया इसमें से असली भगवान कौन है। एंड फिर हर एक भगवान को प्रे करने का अलग तरीका है, हनुमान को तेल चढ़ाने का है, शिव जी के ऊपर दूध डालने का है, तो
आई एम लाइक कभी कौन सुनने वाला है भाई मेरा प्रॉब्लम, इसमें से भगवान कौन है भाई। फाइनली मेरे को भगवत गीता मिला इसलिए मैं बच गई, अदरवाइज ये ऐसे मूर्ति बनाने से तो बच्चे भटक जाते हैं भाई, उनको धर्म। एक तो और एक नाटक है हिंदू धर्म में कि इनको एक पत्थर मिल गया, पत्थर में से खून निकलने लगा, उस पत्थर को वो इंसान समझने लगे और उस पत्थर की भी पूजा होती है। हमारे इधर एक टेम्पल है शनि शिंगनापुर, वहां पे पत्थर की पूजा होती है और वहां पे बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं उस पत्थर में से, बहुत बड़ा पावरफुल पत्थर है भाई। अभी हमको नहीं मालूम, तो अभी कभी कभी ईमान डोलने लग जाता है फिर ये सब सुनने के बाद, कभी लगता है कि वो पत्थर की पूजा करूं क्या, ऐसा हो जाता है भाई। इसलिए मूर्ति पूजा ना दूर रहना ही बेटर है। एक मिनट रुकिएगा, मॉडरेटर्स जो हैं वो असल में वो दूसरा फोन है, मैं अली भाई को लिंक नहीं भेज पाऊंगा, तो मॉडरेटर्स प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार लिंक जो है डालें, ठीक है। एक मिनट मैं इधर से डाला, हाँ एक मिनट, यहाँ से ये अली भाई के लिए लिंक मैं दे रहा हूँ, स्टेज प्लीज मुझे खाली करना पड़ेगा, एक भाई जो है प्लीज कुर्बानी देंगे अली भाई को एंटर करके, फिर उसके बाद आप लोग जो बाकी पीछे रुके हुए हैं वो प्लीज रुके रहें, मैंने जगह बनाई है अली भाई के लिए, प्लीज जगह बना दें। पटेल आप रुकिएगा एक मिनट जरा, प्लीज मैं आपकी बात सुनना चाहूंगा और अभी जो आपने बात की उस पे मैं तबसरा भी करना चाहूंगा। अली भाई ज्वाइन कर लें आप, अगर सुन रहे हैं अली भाई, ठीक है चले, मैंने जगह बना के रखी हुई है, अली भाई ज्वाइन कर रहे हैं। जी पाटिल साहब, अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? अच्छा आप कह रही हैं कि मुख्तलिफ मल्टीपल वहां पर मूर्तियां पड़ी होती हैं गॉड्स की, तो आपको पता नहीं चलता कौन से वाला असली है। हाँ मतलब इसमें से भगवान कौन है और मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा। और हर एक को पूजा करने का अलग तरीका, हनुमान को अलग, शिवा को अलग, दुर्गा अलग। लाइक अगर मैंने एक भगवान की पूजा चालू भी कर दी और वो गलत निकली क्या है यार, मैं पागल हो गई भाई। मैं सच में मैं नास्तिक ही बन गई थी, फिर मेरे को भगवत गीता मिला तो मैं वापिस हिंदू धर्म में आ गई। क्या बात है, क्या बात है। अहलन अली भाई, क्या हाल चाल है जनाब? दी ग्रेट आचार्य दी महागुरु, कैसे अली भाई? ठीक ठाक, आपकी आवाज कट गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, सलाम पेश करता हूँ आपको भी और तमाम नाजरीन को भी सलाम पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब बखैर वाकिफ होंगे, अल्लाह ताला आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये रौनक हमारे गरीब खाने पर कैसे आ गई अली भाई? देखें जी, आज आपका अमीर खाना जो है वो आज मेरी रसाई उस तक आसानी से हो सकती थी, इसलिए मैंने कहा कि इस मौका से फायदा उठाया जाए और हाजरी भी लग जाए। अरसा हो गया कि मैं नहीं आ पाया मसरूफियत की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, जमाना गुजर गया अली भाई। ये पाटिल साहिबा हैं, सनातनी हैं जी जी, इन्होंने आज अपना किस्सा सुना रही हैं। कहती हैं मैं मंदिर में गई और वहां मेरे साथ जो एक्सपीरियंस होता था कि वहां दर्जनों मूर्तियां पड़ी होती थी और वो कहती थी कि मैं कंफ्यूज आ गया हूँ भगवान पीके में, जो आमिर खान जिस तरह कंफ्यूज आ गया था। ये कहती है मैं भी कंफ्यूज आ गई थी कि कोनो बोलता है गुलाटी मारो, कोनो बोलता है दूध से स्नान दो, कोनो बोलता है उल्टा लेट जाओ, कोनो बोलता है सीधा लेट जाओ। तो ये कह रही हैं कि मैं काफी ज्यादा परेशान थी और उसके बाद मैंने मूर्ति पूजा को त्याग कर, मैं जो नास्तिकता में गिरने वाली थी उससे बचकर, कहती हैं मैंने गीता को थाम लिया। अच्छा, मेरे ख्याल से इनकी फ्रेंड है, उसका फ्रेंड कह रही है, ये भगवत गीता की बात कर रही है। क्या मजाक कर रहे हो आमिर भाई? अच्छा नहीं, अच्छा भगवत गीता, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, वो कंफ्यूज हो जाता हूं मैं। अच्छा वैसे आमिर भाई, सिस्टर से पूछना तो था कि भगवत गीता में ऐसी कौन सी इतनी खास बात थी। ठीक है, ये तो उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया कि कम से कम मूर्ति पूजा को त्याग दिया, और दूसरा अच्छा स्टेप इन्होंने ये लिया कि ये नास्तिक नहीं हुई। लेकिन ये तीसरा स्टेप जो इन्होंने लिया है कि इन्होंने भगवत गीता को थाम लिया, तो भगवत गीता के बारे में अगर पटेल साहिबा हमारी दीदी अगर हमें भी कुछ थोड़ा सा गाइड करें तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा रहेगा इनके लिए भी और हमारे लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल जी। पटेल जी, भगवत गीता वर्सेस कुरान के टॉपिक पर तो आप बहुत मुझे नजर ही नहीं आई, मैंने आपको बड़ा मिस किया, बड़ा याद किया, आप आई नहीं। चले अब अली भाई मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ, तो गीता के हवाले से
मेरा मतलब है भगवत गीता के हवाले से कुछ उसकी सुंदर सुंदर चीजें तो बताएं। हाँ भाई मैं छोड़ के चली जाऊंगी भाई, मेरे को झगड़ा करना नहीं है। नहीं झगड़ा थोड़ी करना। आपने अब आपने हमारे हाथ में कौन सा धनुष और तीर देख लिया या ब्रह्मास्त्र देख लिया? नहीं मैंने अली भाई को देख लिया भाई, मैं जाती हूँ। अली भाई दीदी मैं मेरे बारे में तो ऐसा कम ही लोग कहते हैं, आमिर भाई के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं, तो आपने मेरे बारे में कहना शुरू कर दिया। अली भाई, आमिर भाई नहीं कभी कुछ बोलते। हाँ मैं बड़ा शरीफ हूँ, मैंने आपको बताया है अली भाई, मैंने इनको बहुत बार ये बात की हुई है पब्लिक के अंदर कि मुझसे सनातनी पुरुष खफा है, महिलाएं नहीं। महिलाओं अच्छा, में तो महिलाएं तो मुझे बहुत पसंद करती हैं, वो कहती हैं ये गुड बंदा है, यकीन करें। क्यों दीदी ऐसे ही है? अरे भाई चले बताएं पाटिल जी, अली भाई कुछ नहीं कहते, अगर उन्होंने कहीं सख्त सवालात या सख्त प्रश्न पूछे तो मैं उनको रोक लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ। दीदी देखे बड़ी बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करूंगा ताकि मैं भी सीख लूं और पता चले कि आपने किस संजीदगी से इसको सीखा। तो दीदी आपने छोटी सी एक किताब है, आप समझती हैं कि भगवत गीता के अंदर आपकी जिंदगी जो आपने गुजारनी है और उसके बाद भी एक जिंदगी है, तो उसके तमाम मसाइल का हल मौजूद है, यानी कि एक मुकम्मल किताब है भगवत गीता। नहीं सारे प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, बट एटलीस्ट जो सीक्रेट नॉलेज है वो एटलीस्ट मुझे मिल गया वहां से, तो बस हो गया मेरे लिए। ये तो जबरदस्त हो गया, चले ठीक है कि सीक्रेट नॉलेज, वो सीक्रेट नॉलेज जो था वो कौन सा नॉलेज था, वो हमें हमारे साथ भी साझा कीजिए। सर वहां पे लिखा है अबाउट अनमैनिफेस्ट यूनिवर्स, तो ये नॉलेज कहीं पे भी मेरे को नहीं मिला था, तो अनफेस्ट अनमैनिफेस्ट यूनिवर्स अनमैनिफेस्ट डायमेंशन। ये अली भाई ये अनमैनिफेस्ट से मुराद ये लेती हैं कि जो चीज फिजिकल वर्ल्ड नहीं है उसके बाद में जो चीज है जो नजर नहीं आती आंखों से या अभी अदम में, यानी अदम ये नॉलेज। जी, जी जी अच्छा मतलब उसके अंदर दीदी ने अदम का नॉलेज पाया। जी वो दीदी कहाँ पर है, कोई एक दो श्लोक तो शेयर कीजिए। है ना चैप्टर 8 वर्स 20-21 एक मिनट चैप्टर 8 ठीक है चैप्टर 8 20-21 ठीक है जी। लो जी मैं इसको शेयर कर देता हूं। आज हम देखते हैं कि भगवत गीता क्या सिखाती है हमें। जी जी जना ये ले। जी पाटिल जी क्या करना है सर, पढ़ू इसको? जी जी पढ़े ना जी, पढ़ के हमें एक्सप्लेन करें कि इसमें कौन सी ऐसी खास बात आपने देख ली जो कहीं और आपको कभी भी नहीं मिली। ओके सर, ट्रांसेंडेंटल टू दिस मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट क्रिएशन देयर इज येट अनदर अनमैनिफेस्ट इटर्नल डायमेंशन, दैट रियल्म डज नॉट सीज इवन व्हेन ऑल अदर्स डू। हां जी एक्सप्लेन प्लीज। सुप्रीम अबोर्ड को अनमैनिफेस्ट यूनिवर्स बोलते हैं, और वहां पे कोई प्लैनेट्स नहीं है, तो वहां पे ना विनाश होता है ना क्रिएशन होता है, क्रिएशन मैनिफेस्टेड यूनिवर्स के अंदर होता है। सिस्टर ये जो आप बात बयान फरमा रही हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि कोई भी आप फिलॉसफी उठा के देख लें, इस्लाम को देख लें कि एक ऐसी दुनिया है और एक ऐसी शक्ति है जिसको ईश्वर कहा जाता है, अल्लाह कहा जाता है या खुदा कहते हैं बाज़ लोग, वो मानते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है और वो मौजूद है और उसके ऊपर कभी मौत और फना नहीं आएगी, और उसके बाद वो ये भी मानते हैं कि उसी ने ये जो हमारे सामने दुनिया मौजूद है इसने एक दिन खत्म हो जाना है, उसी ने ये तख्लीक की है। ये कोई नई बात तो नहीं थी। वैसे अगर आप भगवत गीता को आठवें चैप्टर पे चली गई दीदी, मेरा ख्याल है कि भगवत गीता को समझने के लिए इसके पहले दो अध्याय काफी थे जिसके अंदर इस चीज का तذکرہ था
कि ये सारा ज्ञान जो श्री कृष्णा जी उस वक्त अर्जुन को दे रहे थे जस्ट इसलिए था कि उसको उकसा रहे थे कि अपने रिश्तेदारों को मार डालो और वो भी मार डालो राजपाट के लिए। अर्जुन ये कह रहा था कि मैं जस्ट राजपाट के लिए क्या अपने अपने भाइयों को मार डालूं। तो श्री कृष्णा जी ने उन्हें फिर ये ज्ञान दिया और समझाया, पहले अध्याय के अंदर ये बात चल रही, और अर्जुन का बड़ा वैलिड पॉइंट था कि वो भी जस्ट राजपाट के लिए। और फिर अगर हम इससे भी थोड़ा सा पीछे जाएं तो वो भी वो राजपाट जिसको जुए में हार दिया था, जिसकी अहमियत पांडवों के नजदीक जुए में खेले जाने वाले मैच की तरह थी और वो हार गए, अब उसको दोबारा छीनने के लिए अपने भाइयों को मार दूं। तो श्री कृष्णा जी ने ये जो सारा ज्ञान दिया उसके पीछे तो जस्ट ये एक चीज मौजूद थी कि अर्जुन उठे और अपने भाइयों को मारे। और फिर श्री कृष्णा जी ने दूसरे अध्याय के अंदर जो फरमाया, उन्होंने कहा कि हकीकत में आत्मा मरती ही नहीं है, ये जो तुम्हें भाई दिख रहे हैं और जिनकी मोहब्बत तुम्हें घेरे हुए है इनको मार डालो। अली भाई मेरे को झगड़ा करना ही नहीं है, मैं नहीं आई हूँ झगड़ा करने। नहीं दीदी मैं झगड़ा तो नहीं कर रहा हूँ। अली भाई ने झगड़ा का यार बात पटेल बात भी होती है, लोग बैठते हैं बात भी करते हैं, कोई बात करने में झगड़ा तो नहीं होता। बिल्कुल देखे दीदी मैं मुझे बस मैं कंप्लीट करके मैं उसकी उसके बाद आपकी जानब भी बढ़ते हैं। आप अली भाई आपने इनको ठंडा पानी नहीं फेंकना है। जी चले जी धन हो गया, चले जी बात करो जी ठीक है। अच्छा दीदी उसके बाद वो कृष्णा जी फरमाते हैं अर्जुन से कि हकीकत में तो मौत होती ही कोई नहीं है ना, आत्मा के लिए तो कोई मौत नहीं है, इनको तुम तो मारोगे तो इनकी हैसियत तो ऐसे है, इनकी गर्दने उतारना इनके गले काटना तो ऐसे है जैसे आप कपड़े चेंज कर लेते हैं, यानी कि इधर से आप इनको मारेंगे उधर से इनकी आत्मा जीवित हो जाएगी, यानी कि ये इनके लिए पुनर्जन्म है, इधर से तुम मारोगे तो दूसरा जन्म ले लेना, इनकी मौत का कोई माना ही कोई क्योंकि आत्मा तो हकीकत में मरती नहीं। ये पहले दो अध्यायों के अंदर था। फिर भी जब वो कायल नहीं हुआ तो ये एक लंबी कहानी कृष्ण जी ने इसको सुनाई। और अगर आप मनुस्मृति पूरी की पूरी पढ़ें तो मेरा ख्याल है गीता को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो बातें मौजूद हैं इससे पहले की मनुस्मृति के अंदर वो चीजें मौजूद थी जो कृष्ण जी ने शायद मनुस्मृति से पढ़ के वही यहाँ पर कॉपी करके रख दी। तो हमें बताएं कि इसमें जो गीता आपने पढ़ी है और इसके स्टार्ट में ही ये युद्ध की बात और खून की बात और जुए में हारी हुई सल्तनत की बात थी, तो इसको आपने कैसे बैटर पाया? मुझे तो जब मैंने इसको देखा पहले दो अध्याय पढ़े तो मैंने कहा हो इसमें अपने भाइयों को कत्ल करने की तुलना कपड़े के साथ की गई है कि जैसे कपड़ा बदलना है मार डालो इनको, और मारना भी किसके लिए, मकसद क्या है, जस्ट राजपाट दौलत अयाशी। जी पाटिल जी सर जो स्टोरी है अबाउट जुए में हारना वो कितनी राइट है हमको नहीं मालूम, बिकॉज वो स्टोरी है महाभारत की, हम भगवत गीता पे ही फोकस कर रहे हैं। और जहां पे रिलेटिव्स को मारने की बात आती है तो वो कोई भी हो है? कोई भी हो अधर्मी, हम नहीं छोड़ेंगे उसको, फिर वो माता पिता हो या दुनिया का कोई भी हो, नहीं टिक पाएगा धर्म के आगे। नहीं ये तो जबरदस्त है कि धर्म के सामने किसी की कोई वैल्यू और औकात नहीं, लेकिन कौन सा धर्म दीदी, वो धर्म कौन सा है, सनातन? नहीं जो अभी तुमको ड्रामा दिख रहा है इंडिया के अंदर वो सनातन नहीं, मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ ना जिसके लिए वो युद्ध होना था। आपने इस बात को भी इग्नोर कर दिया कि अगर आप महाभारत को इग्नोर करती हैं तो भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है तो ये भी जाता रहेगा, चले हमने इसको भी छोड़ दिया। यहां पर भी बात जो हो रही है वो तो यही हो रही है, इस चीज को धर्म युद्ध कहा जा रहा है कि आप अपनी अयाशी के लिए, अगर आपको हम ये दिखाएं कि ये जो युद्ध होना था इस युद्ध का कारण जस्ट श्री कृष्णा जी ये बताते हैं कि उठो अर्जुन लड़ो धन दौलत के लिए राज्य के लिए, इसका मकसद ये है क्या, धर्म राज्य हासिल करना और अयाशी करना? राज्य के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं। अगर चलो अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ, मेरे साथ मेरे एनिमीज ने बहुत बुरा किया, हाँ मेरा सब कुछ छीन लिया और फिर आके मुझे कल भगवान बोलते हैं अभी तुम लड़ो और तुम्हारा वापस लो छीन के, तो मैंने गलत किया क्या? नहीं ये बात नहीं हुई, मैंने उनसे रिवेंज लिया, मैंने गलत किया क्या, मैं क्यों छोड़ू उनको? देखिये अगर तो पूरी हिस्ट्री पे दीदी हम बात करें तो ये युद्ध बनता ही नहीं था, और इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है कि दरबार में बैठ के अपनी पत्नी तक को जुए में हार दिया जाए और ऐसे लोगों को फिर सपोर्ट करने के लिए श्री कृष्णा जी आ जाए, इनको तो सजा मिलनी चाहिए थी ना कि राज्य।
दूसरी बात मैं ये वो स्टोरी का कितना सच्चाई है हमको नहीं मालूम भाई। नहीं दीदी, मैं तो इस भगवत गीता की बात कर रहा हूँ ना, जो आपने पढ़ी है। अगर इसमें से मैं आपको दिखाऊं कि इस युद्ध का मकसद ये है कि अर्जुन राजपाट हासिल कर लें और धन दौलत इकट्ठा कर लें, ये युद्ध धर्म युद्ध कहलाएगा, जिसका मकसद धन दौलत इकट्ठा करना हो। धन दौलत इकट्ठा करना मकसद नहीं है, न्याय जस्टिस मकसद है। सबके साथ न्याय होना चाहिए, अगर उनका धन छीना है तो उनको वापस मिलना भी चाहिए। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये बात नहीं है ना कि उनका धन, वो तो धन हार चुके थे ना दीदी। आप इस चीज को अगर इग्नोर करती हैं, उनको तो कर जलाने की कोशिश की थी, जिंदा जलाने की कोशिश की थी, वहां से भाग गए थे अर्जुन पांडव जितने भी थे, वो उनका सब कुछ छीन लिया, तो उनका बनता नहीं है क्या वापस ले ले। वो तो फिर ये तो आप बहुत पहले की बात कर रही हैं, ये भी महाभारत में है, ये क्यों मान रही हैं आप, ये भगवत गीता में कहां पर लिखा हुआ है? अरे नहीं भी छीना होता धन तो भी अधर्मी लोग नहीं टिकेंगे इस धरती पे, भगवान का ही कानून चलता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि भगवान का कानून चलना चाहिए, अफसोस के साथ भगवान का कानून नहीं चल रहा। अली भाई, पाटिल साहिबा आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में आ रही हैं। अपना मेरे ख्याल से हेलमेट वगैरह पहन लिया जाए। जी जी बिल्कुल। वैसे दीदी जो बता रही हैं अब जो इन्होंने बात बताई है, वो खुद महाभारत से बता रही हैं और एक तरफ से महाभारत को ऑन निकाल। मैं माफी चाहती हूँ सर, मैंने कुछ बोला गलत, पर नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, आप सही हैं, आप सही हैं, मैं ओना लेटर नोट का है, आप टेंशन ना लें। अली भाई जो बात कर रहे हैं वो बड़ी अहम बात है। जी दीदी, अगर हम आपको ये दिखा दें कि इस धर्म युद्ध का मकसद जो था वो धन दौलत इकट्ठा करना था, राज्य हासिल करना था, और उस राज्य को हासिल करने के लिए श्री कृष्णा जी कह रहे हैं कि मार डालो करोड़ों लोगों को, मार डालो और मार डालो, इसको धर्म युद्ध कहा जाएगा? अली भाई हमारे मन में भगवत गीता बस गई है, उसका प्रेम रस हमारे मन में है, आप कितना भी बोलो हमारे मन से भगवत गीता निकलने नहीं वाली। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो समझना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं भी अपने मन में बसा लूं। एक चीज तो आपने दीदी इसके बारे में क्लियर कट पब्लिक के सामने कही कि ये कोई मुकम्मल किताब नहीं है, ना ये आपको जिंदगी के हर मामले के अंदर रहनुमाई फराहम करती है, ऐसी किताब नहीं है। तो उसके बावजूद आपने दिल में बसा ली, तो इसके दो जो अध्याय हैं और जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा हूं कि अगर आपको ये दिखाया जाए उसके बावजूद आप समझती हैं कि ये किताब इस काबिल है कि इसको इसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन किया जाए? सर हमारा पूरा विश्वास है परमात्मा के ऊपर, और नहीं मुझे जानना है आपके दो अध्याय, मैं नहीं छोड़ने वाली भगवत गीता को एट एनी कॉस्ट। दीदी ना छोड़िए, लेकिन एक चीज और, नौवें अध्याय के अंदर जिक्र है महिलाओं का, तो वहां पर कहा गया है कि महिलाएं जो हैं उनका रिलेशन, उनका ताल्लुक ही पाप योनि से है, और अगर उनको पवित्र होना है तो उन्हें श्री कृष्णा जी की शरण में आना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं आ सकती। और उसी अध्याय में 30 नंबर श्लोक होगा जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो श्री कृष्णा जी का भक्त हो वो महापापी ही क्यों ना हो, आपने उसको साधु जानना है। और फिर साथ ही महिलाओं के बारे में ये कहा गया, तो इससे भी एग्री करती हैं आप? तो महिला का लाइफ कौन सा अच्छा चल रहा है धरती के ऊपर, वो तो पाप यो नहीं लग रही है मेरे को भी। ओ, क्या बात, अति उत्तम, क्या कहना क्या कहना। जी इसका मतलब है दीदी वहां पर ठीक लिखा हुआ है कि जो महिलाएं हैं उनका ताल्लुक ही पाप योनि के साथ है, ऐसा ही है? ऐसा नहीं है सर, वहां पे मैं आमिर भाई से भी इस पे डिस्कस कर रही थी कि वहां पे लिखा है वैश्या स्त्रिया, तो ये ऐसा भी हो सकता है प्रोस्टिट्यूट वुमेन, वैश्यो स्त्रिया मतलब वैश्या प्रोस्टिट्यूट को भी बोलते हैं। अरे नहीं वो मुझे बताए, हाँ मुझे याद आ गया, वो मुझे बताए किधर है आमिर भाई, ये 933 या 34 होना है, मैं एग्जैक्ट भी बताता हूँ, 30 वाला भी ने पहले दिखाएं 930 वाला, तो उसके बाद देखते हैं 33 या 34 मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ। हाँ ठीक है, एक मिनट मैं ले आता हूँ। वो जो वैश्या स्त्री है ना वो नहीं, पीछे वर्ण का जिक्र हो रहा है, वो पटेल आप उसको ठीक कर लें जरा, मैं शेयर कर रहा हूँ जरा एक मिनट दीजिएगा, ये आ गया जी। अच्छा। वही तो गड़बड़ है वहां पे, वैश्या आ गया है, वो वेश्या नहीं है, यही आमिर भाई भी बोल रहे थे कि वैश्या मतलब वो वैष्णव, या सॉरी क्या था वो, शूद्र वैश्या क्षत्रिय ब्राह्मण वैसे आ गया। जी जी वैसे ये पढ़ें जी।
इवन इफ द वाइलेस्ट सिनर्स वर्शिप मी विद एक्सक्लूसिव डिवोशन दे आर टू बी कंसीडर्ड राइटियस बिकॉज दे हैव मेड द प्रॉपर रिजॉल्व। यहां ये कहा जा रहा है कि उनको जो पापी भी होंगे ना, महापापी, दबा के तुन के टका के पाप करने वाले, उनको भी आपने धार्मिक कहना शुरू कर देना है। हिंदी निकाल लेते हैं ट्रांसलेशन ताकि वर्ड ज्यादा आसान हो जाए हिंदी के अंदर लोगों के लिए। यदि महापापी भी मेरी अनन्य भक्ति के साथ मेरी उपासना में लीन रहते हैं तब उन्हें साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में डट रहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है जी। क्या इसमें क्या बोलना है अली जी? जी अली? इसका इसका हमें ये बताइए कि ये कहा गया कि कोई महापापी भी हो उसका काम जस्ट ये है कि वो श्री कृष्णा जी की भक्ति में लीन हो जाए, लग जाए, तो उसको साधु मानना चाहिए। आप इससे एग्री करती हैं? ऑब्वियसली मैं भी पापी थी, उससे बाद में मैं भगवत गीता मिला, फिर मैंने सोचा अरे भगवान मुझसे गलती हो गई भाई, माफ कर दो, तौबा तौबा, फिर मैं आ गई धर्म के रास्ते में। क्या धर्म का रास्ता? वही ना, यहाँ पर एक बंदा कत्ल करके आ जाता है। महापाप के अंदर आपके ख्याल से कौन कौन से पाप हैं? हाँ, कत्ल करता है, हाँ, तो प्रॉफेट मोहम्मद ने कत्ल किया तो वो चलता है। बहुत अच्छा, यानी इसका मतलब है, इसका मतलब ये ठीक हो गया ना? नहीं, सही हो गया। पाटिल साहब जो कह रही हैं, साहिबा जो कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कत्ल हो गया, ठीक हो गया, सही है ना? हाँ। फिर बोले, खुल के बोले फिर उसको। हाँ, ये बात तो आप, कत्ल का सवाल नहीं है भाई, टॉलरेट करने का लिमिट होता है, अगर सटक गया ना भाई तो पनिशमेंट भी मिलना चाहिए उसको उतना ही। यहाँ पर तो नहीं लिखा ना, यहाँ पर तो लिखा कि पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, उसको साधु कहना चाहिए। आप कह रही हैं पनिशमेंट करनी चाहिए, भगवत गीता। अरे भाई, हर एक इंसान को सुधरने का चांस दिया जाता है, पर वो सुधरना नहीं चाहता तो क्या ऑप्शन बचा है, मार डालो उसको। दीदी थोड़ा सा समझा देना हमें, ये महापाप होता क्या? महापाप के अंदर कौन कौन सा पाप आ जाता है? मर्डर भी आ जाता है महापाप में, सब कुछ आ जाता है। दो चार बताए ना, मुझे नहीं पता ना, आप थोड़ा सा मेरे लिए। एक मिनट अली भाई, ये कभी कभी कह रही है तो मर्डर जो है वो पाप है, फिर श्री कृष्णा भी फिर उसको जस्टिफाई, यार ये क्या? मुझे भगवत गीता मुझे और भी भाई बीच में मत घुमाओ। नहीं, मेरी बात सुने भाई, पाप महापाप, अगर आपने मर्डर को कैटेगोरिकल रखना है तो वो श्री कृष्णा भी, फिर आप बोल रही हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंग के अंदर किया, ईश्वर मर्डर करे, ईश्वर मर्डर करे चलेगा, बिकॉज उसने ही क्रिएट किया है सबको, जो पैदा करता है उसके पास हक है मारने का। अर्जुन क्रिएटर था अली भाई? नहीं, अर्जुन कहाँ क्रिएटर था, इनमें से कोई भी क्रिएटर नहीं था। हाँ, फिर उनकी करिए जी पाटिल जी, अर्जुन क्रिएटर थे। हाँ, अरे भाई अर्जुन को क्यों बीच में ला रहे हो, डायरेक्टली तो कृष्णा ने ही मारा है सबको, तो अर्जुन को किस लिए योद्धा माने फिर हम, उसको फ्री का हमने उसको सपोर्ट जो है वो... में रखा है बाजू में रखा है सपोर्ट में, तुम मारो या ना मारो मैं तो मार ही डालूंगा सबको। अच्छा, वो सपोर्टिंग कैरेक्टर थे दीदी? वो वैसा नहीं हुआ था, वो तो कृष्णा जी ने झूठ बोल दिया था, लीला कर दी थी जब युद्ध पड़ा ना, युद्ध भूमि में, तो कृष्णा जी कह रहे थे कि अब मारना है ना आपने द्रोणाचार्य को, तो आप ऐसा करें कि छल कपट से काम लें, पहले कह रहे थे कि युद्ध लड़ो अर्जुन, युद्ध लड़ो, मैंने सबको मार डाला है, तो जब युद्ध, भगवत गीता में मेन कैरेक्टर सर कृष्णा है, अर्जुन नहीं है, अर्जुन मारे या ना मारे कृष्णा तो वैसे भी मार डालेंगे सबको। नहीं, मार डालेगा ना, कृष्णा जी वहां पर परेशान हो गए और कहने लगे कि अब यहाँ पर आपको छल कपट से काम लेना होगा, यहाँ पर आपको धोखादही से काम लेना होगा, वरना भीष्म पितामह भी हमें मार डालेगा और साथ ही साथ द्रोणाचार्य भी मार डालेगा। फिर वहां पर झूठी खबर फैलाई गई श्री कृष्णा जी के कहने के ऊपर कि अश्वत्थम जो कि द्रोणा का बेटा है मारा गया है, उसने जब अपने हथियार छोड़ दिए तो तब उसको छल कपट के साथ मारा गया। अगर कृष्णा जी नहीं मारना था और मार दिया था तो जब हकीकत में आमना सामना हुआ है, एक तरफ एक स्टेटमेंट है, जब उसके प्रैक्टिकल का वक्त आया है तो उस वक्त तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि भाई अर्जुन अब मारे जाएंगे, आप सब भी मारे जाएंगे, आप नहीं बच पाएंगे। इसका एक ही तरीका क्या, यहाँ पर छल कपट से काम, ये क्या दोगली बात? दूसरा पाटिल जी, अगर अर्जुन तो वैसे साइड कैरेक्टर थे और मारा श्री कृष्ण ने था, तो वो इतना जनाब, वो श्री कृष्ण उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको बकायदा इंस्पायर कर रहे हैं और उसको ट्रिगर कर रहे हैं,
अर्जुन को कह रहे हैं युद्धाय कृतं निश्चयः। भगवान जब धरती पे आते अकेले नहीं आते, उनके आत्मा